हेलो। हाँ हेलो नमस्कार सर, ब्रजेश मिश्रा बोल रहे हैं जी, नमस्कार। बिहार उजाला बताइए जी। से। क्या हमारी बात अर्जुन शर्मा जी से हो रही है? जी जी भैया। भैया, तो बताइए। आप एक राइटर हैं, गाना लिखते हैं और अंतरा जी के लिए भी गाना आप लिखते हैं, तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि पवन सिंह के साथ उनका एक गाना आया हुआ था, मेरी लॉलीपॉप, यसी फिल्म से पहले पोस्टर जारी हुआ, उसके बाद से शिवानी सिंह को उस गाना में ले लिया गया। क्या कारण था कि इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाया गया? देखिए, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेक पोस्टर था, अच्छा लेकिन फेक पोस्टर नहीं है, ये सत्य पोस्टर है। क्योंकि अब देखेंगे, यसी फिल्म के मेन पोस्टर पे, मतलब मेन सॉरी मेन पेज पे उस पोस्टर मैंने शेयर किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य है। बिल्कुल और इसमें इसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना ही नहीं। मैं उस गीत का राइटर हूँ, ना ही म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, लेकिन अब फिर भी वो पूछ रहे हैं तो बता ही दे रहा हूँ। तो इसमें सरासर गलती पवन भैया की हो, या फिर उनके टीम की हो, या फिर कंपनी वाले को कंपनी वाली की हो, किसी की हो, लेकिन ये बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर तो भाई आपको मतलब कुछ भी चेंज करना था तो पोस्टर आउट नहीं करना चाहिए था। मान लिया अगर आप पोस्टर आउट करते हैं तो मतलब भाई पवन भैया भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार गायक है, बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी के ही लोग स्तंभ है, दो खम्भे है, खेसारी पवन जी दोनों आदमी। तो सबसे पहले तो पवन भैया चाहे खेसारी भैया, तो अपने से जो नीचे के कलाकार हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप गवा के उसका नाम चेंज कर दे, ये सरासर गलत है, मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। अगर तो चेंज ही करना था तो भाई आप पोस्टर से पहले कर देते, पोस्टर आउट करके पूरे एक सिंगर का बेइज्जत करना, ये कहाँ का सही है। पहले हम लोग को भी लगता है ना, किसी किसी गाने को, किसी लड़की को गवाते हैं, उसका पैसा दे देते हैं, उसको गवा के मंगाते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, मिक्सिंग समय लगता है कि इसका आवाज अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं, मतलब बहुत अच्छा गाती है लेकिन इस गाने के साथ मैच तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसी समय दूसरे लड़की को भेजते हैं, उसको पैसा देते हैं, गवा के उसका मिक्सिंग करके हम लोग आउट कर देते हैं, तब बिल्कुल पोस्टर बनता है। लेकिन आप इतने बड़े सिंगर हैं, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, नाम किसी के क्यों हटाएंगे भाई। लेकिन गाना तो सुनने में आया था कि गाना शूट भी हुआ था और उसके बाद से चेंज हुआ है, तो क्या क्या वजह था कि मतलब गाना पसंद नहीं आया, आवाज पसंद नहीं आया, क्लियर मतलब क्या गाना मालूम था? पसंद, अबे अंतरा सिंह को पूरा सारा दुनिया पसंद कर रहा है, काफी सारे हिट गाने भोजपुरी उन्होंने की दिए पहली हैं। लड़की है जो डिजिटल डिजिटली दुनिया में सबसे पहले 100 मिलियन देने वाली एल्बम में, सिंगल गाने का 100 मिलियन देने वाली अंतरा सिंह, प्रियंका थर थर से पूछा निकल रहा है, 200 मिलियन पहली बार देने वाली गायिका है अंतरा सिंह, प्रियंका सोना का सिकड़ी है। तो भाई दुनिया पसंद कर रहा है, अब किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा कि पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरा दुनिया पसंद कर रहा है, उनको प्यार आशीर्वाद दुलार दे रहा है। अच्छा, अंतरा जी क्या कुछ बोल रहे हैं इस गाने को लेके? क्या आखिर पवन भैया से तो बात हुआ ही होगा, तो कुछ जानकारी नहीं मिला कि किस वजह से मतलब उनको हटाया गया इस गाने से? अब पता नहीं, अब देखिए पवन, मुझे तो नहीं लगता है कि पवन भैया हटाए हो, क्योंकि पवन भैया वैसे व्यक्ति नहीं है, सबको सपोर्ट करते हैं, नए लड़की को भी दबाते हैं, उनके जो आसपास बुरा बुरा इसमें मानने वाले कौन से, जो चमचे हैं, चमचे टाइप के जो लोग हैं, उनको चमन चुतिया कहा जाता है, उन्हीं लोगों का गेम होगा, तो अच्छा इन लोगों एक को भी नहीं करना चाहिए भाई। भाई जी सबको अपना अपना कार्य करने का अधिकार है, इससे पवन भैया की बेइज्जती होगी, अदर किसी के नहीं। क्योंकि भाई एक परिवार में अगर जो कोई गलती करता है कि सीधा मुखिया का नाम होता है, ये फलानवा का बेटा ये कर दिया, चिलानवा का बेटा, तो सर्वे सर्वा मालिक जो है पवन भैया है, और इस तरह का होता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, और इनसे पवन भैया की बेइज्जती होगी। क्योंकि अच्छा अंतरा भाई अंतरा जी के यहाँ से पोस्ट जारी हुआ था कि मेरा आवाज किसी कुत्ता बिलार के नाम से नहीं जोड़ा जा, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले देखिए, अब उन्होंने पवन भैया के लिए डाला है या नहीं डाला है ये अलग की बात है, लेकिन मेरी उनके मैनेजर से बात हुई थी, ठीक है, वही जानते हैं, मेरी उनके मैनेजर से बात हुई तो वो बोले कि ये पवन जी के लिए नहीं डाला गया है, मतलब इसलिए डाला गया है, देखिए मतलब इसलिए डाला गया है कि क्योंकि पिछले विवाद में देखा हूँ तूफान लाल यादव के साथ या फिर और भी गानों के साथ मतलब छेड़छाड़ किया गया है, तो वैसे मैंने वो बोले हैं, मैंने कि इस तरह का छेड़छाड़ ना हो, मतलब
इसमें सिर्फ नाम हटाया गया है, कुत्ता बिलाई अदर पर्सन को बोले हैं कि मतलब इस तरह का गलती ना करें, मतलब जैसे कि मतलब कायत देते बड़े तो ये वो तरह बैठे, मैंने उस तरह की गलती ना। पवन भैया को स्पेशली नहीं कहा गया है क्योंकि भाई पवन भैया तो हम लोग के लिए मान लीजिए कि गार्जियन स्वरूप है, तो हम लोग क्यों बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा उनके टीम पोस्टर पोस्टर इसलिए लगाया गया है ना कि अगली बार से मतलब नाम ना चेंज हो इस तरह का, पवन भैया के लिए भी मतलब भैया आप नाम मत चेंज कीजिए, बाकी उनके लिए कोई इस तरह का चीज नहीं है। उनके टीम से भी एक आरोप लग रहा है कि अंतरा जी पे कि दो अर्थी गाना गाती है, अश्लील गाना गाती है उनके टीम। चलो कौन नहीं गाता है, कौन भैया नहीं गाया है कि खेसारी भैया नहीं गाया है, कौन नहीं गाया है भाई। दो अर्थी गाने में अगर देखिएगा तो पूरा इंडस्ट्री का लोग 90% लोग आ जाएगा इसके घेरे में। कौन नहीं गया है, पवन भैया नहीं गया है क्या, खेसारी भैया नहीं गया, कल्पना जी नहीं गया, कौन नहीं गया। अच्छा ये बताइए कि इस तरह से भोजपुरी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा विवाद होते रहता है किसी न किसी चीज को लेकर आए दिन। देखिए जानते हैं क्या इसका मेन कारण है ना कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं जी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ है लोग इसमें बहुत कम। लेकिन अभी नए जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधरेगा। लेकिन जो अनपढ़ है, ज्यादा माइंड नहीं है, बीच में दिक्कत हो जाता है, चढ़ाने वाले लोग हैं, तो गलतियां इस तरह की हो जा रही हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आए दिन भोजपुरी में देखने को मिलता है, कभी स्टेज प्रोग्राम पे अक्षरा सिंह के साथ हो चाहे कोई अन्य कलाकार हो, कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है और कहीं ना कहीं भोजपुरी बदनाम हो रहा है इससे हम लोगों का। हाँ बिल्कुल, सब सबका इसमें बैठे होगा, अंतरा सिंह प्रियंका का ही नाम हटा तो सब जगह तो मतलब चर्चा हो रहा है, इतने बड़े सब, और सब के साथ गाना आने के बाद आखिर क्या वजह रहा कि इतना बड़ा बड़ा फैसला ले लिया गया उनको यहाँ से। लोग यह थोड़ी बोल रहा है कि उनका चमचा बेलचा लोग हटाया है, चाचा है कंपनी वाला हटा है, लोग नहीं बोला पवन सिंह ने हटवा दिया। सीधा आरोप तो सीधे उन्हीं पे लग रहा है कि तो उन्हीं पे लग रहा है, तो बेटी किनकी होगी, उनकी ना होगी बताइए। पवन भैया से इस तरह का तो उम्मीद नहीं है भाई, आप एक बड़े कलाकार हैं, आपके राह पे सारा कलाकार चलता है भोजपुरी का, और आप रहवे काट दीजिएगा। उनके टीम के किसी मैनेजर वगैरह से पवन भैया के बातचीत हुआ था आप लोगों का? नहीं मेरा नहीं होता, हम इसमें नहीं किए क्योंकि नहीं मेरा गीत था और नहीं मेरा म्यूजिक था, इसीलिए हम इसमें इन्वॉल्व होना सही नहीं समझे। लेकिन ये गलत है, पवन भैया को अगर तो इस तरह नहीं करना चाहिए था, उनके टीम को या पवन भैया फिर कंपनी वाले को, मतलब पहले ही जो करना था चेंज कर देते, क्योंकि भाई पवन भैया बहुत बड़े कलाकार हैं और आपसे हम लोग सीखते हैं, तो आप सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आगे का रास्ता नहीं करना चाहिए किसी का। अंत में जाते जाते क्या कुछ कहिएगा उन सभी दर्शकों के लिए और तमाम भोजपुरी भाषी के लिए कि भोजपुरी को एक बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए सभी कलाकारों को और सभी जो भी श्रोता है सबके लिए? मैं सबसे पहले तमाम जितने भोजपुरी के स्टार हैं उनसे कहूंगा कि आप चमसो से बचकर रहें, ठीक है जी जी, हाँ चमचो से बच के रहोगे तो चमचा आपका कोई मतलब, चमचा तो सबका होता है, मेरे भी है चाहे जिसका जिनका भी हो, तो चमचा जो बोल रहा है उसको ना कीजिए, पहले सोचिए कि ये गलत है सही है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और आप क्या है भोजपुरी के, आप लोग धरोहर है ना जी? जी जी बिल्कुल, एक एक बच्चा एक एक घर में आप लोग बजते हैं, हर एक राइटर आप लोग देखकर सीखकर आगे बढ़ना चाहता है ये लोग। मैं खुद पवन भैया खेसारी भैया का पर डे मैं गाना सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग सीखते हैं, अगर इस तरह का गलती होगा तो भैया बहुत बेइज्जती हुई आप लोगों की। पोस्टर आउट नहीं करना चाहिए था, उसके पहले जो करना था वो चेंज कर रहा था कर लेते, फिर भी बर्दाश्त हो जाता, पोस्टर आउट कीजिएगा तो किसी को बुरा लगेगा। अब इधर से आरोप लगाया जाए पवन सिंह पे, उनके टीम का लोग आरोप लगाए इस तरह से, ये सब चीजें नहीं भाई, पहले गलती कहाँ से हुआ है? पहले तो उधर से ही हुआ है, मान लीजिए गाना आप शूट कर रहे हैं उनके साथ, तो सब कुछ करके लास्ट में हटा देना ये तो कहीं से भी सही नहीं है। एक वो भी एक अच्छी कलाकार है, महिला कलाकार है, कहीं ना कहीं उनका भी एक नारी का सम्मान होना चाहिए, एक नारी है, नारी का सम्मान होना चाहिए। बस यही बात है और क्या बोलूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।
और ये ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे भी, तो आपका अनुमति चाहिए। ठीक ठीक कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।